कवर आ गया DPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस ऑनलाइन एडमिशन ओपन विजिट dpsajmer.in एक बिल 7,000 का एक बिल 20,000 का जिसमें मेरा मकान बन रहा है कंस्ट्रक्शन चल रहा है और एक बल्ब भी नहीं लगता वहाँ पे चालू है और इतना इतना बिल आ रहा है क्या कह रहे हैं बताओ कितना बिल आया था आपका 20,000 रुपये वो तो क्या पता पड़ा ये बात करेंगे जब मालूम चलेगा नाम बताइए आपका उमेश अभी जो ये जनसुनवाई हम कैंप लगाया है बेसिकली इसमें जो लॉकडाउन के बाद जो बिल गए हैं उस बिल को लेकर के कुछ आम जनता के मन कुछ भ्रांतियाँ थी उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए कैंप लगाया गया था जिसमें जैसे आम जो उपभोक्ता जो है उसका ये था कि हमारा बिल थोड़ा हायर साइड आया है तो हायर साइड कैसे आया लॉकडाउन में जैसे शॉप्स बंद रही हैं किसी की या इंडस्ट्रियल यूनिट्स बन रहे हैं या घर से लोग दूसरे शहर में चले गए हैं इस तरह का जैसे जो हुआ था तो उसके आधार पर हमने फिर उनको आज जैसे जो टोटल 53 यहाँ पे आज उपभोक्ता है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया उसके अंदर और सबको अलग अलग नंबर दिए गए टोकन नंबर से बुलाया गया वरिष्ठ नागरिक जितने भी थे उनको जो है आउट ऑफ उनको बुला करके और टर्न दे करके उनको इस तरह किया था। अब इसमें यह कि जो हम लोगों ने सारे बिल देखे सभी 53 बिल्स जो थे वो सभी ठीक थे बिल्कुल करेक्ट थे। हमारे साथ एवी विनेल के एक एएन साहब मौजूद थे एक उनके WO मौजूद थे और SECACC जो हैं अजमेर सिटी सर्किल के मिस्टर गोपाल चतुर्वेदी वो भी हमारे साथ में थे उन्होंने भी खुद ने सेवन बिल चेक किए और सभी बिल उन्होंने ठीक पाए। इसमें बेसिकली आम जनता के मन में जो चीज़ आई थी कि 1 फरवरी 2020 से राजस्थान नियामक आयोग विद्युत नियामक आयोग जो है उनके द्वारा बिजली की दर में वृद्धि करी गई थी तो बिजली दर में वृद्धि करने के बाद उनको नया बिल उस वक्त कोई भी जनरेट नहीं हुआ था आम तो उसके बीच में लॉकडाउन लग गया था तो उनको ये था कि जो बिल नए रेट्स जो आ रहे हैं तो ये नए रेट कहाँ से आ गए हमारे तो अब तक तो जो रेट इतना नहीं लगता था 4 जैसे अभी नया जो मिनिमम स्लैब जो कर दिया है वो 4.75 का कर दिया है वो 3.85 था पहले तो 3.85 से ये 4.75 कैसे हो गया देखिए उसमें जो फिक्स चार्जेस वगैरह के बिल इसके अंदर होते हैं गवर्नमेंट का जो आदेश था उन सभी आदेश की अनुपालना अक्षरश करी गई है किसी भी तरह का कोई डेविएशन उन गवर्नमेंट ऑर्डर्स के साथ नहीं किया गया है और वो चूंकि एवरेज के बिल जारी करने का आदेश भी राज्य सरकार ने दिया था उसी आधार पर वो एवरेज का जो रूल्स जो हमारे बुक्स में जो लिखे हुए हैं उन बुक्स के आधार पर ही उनको बिल अपने आदेश बिल दिए थे। अब अगर किसी भी बिल के साथ अगर अब जो नए बिल जो आ रहे हैं रीडिंग के हम जो लेकर दे रहे हैं तो पुराने जिनको प्रोविजनल बिल जारी किए गए थे उनकी रीडिंग जो हमने उसके अंदर काउंट करी थी उन रीडिंग्स को इसके अंदर एडजस्ट कर दिया गया है सब लेस कर दिए गए हैं जितने भी तरह के वो हैं जो नए बिल जो जारी हो रहे हैं रीडिंग के बिल जारी जो हो रहे हैं जिसमें से एवरेज का जिन्होंने बिल दिया है पहले जो यूनिट मान लीजिए किसी की 150 यूनिट सपोज एवरेज की काउंट करी गई हैं और अब जो नया बिल आ रहा है वो 200 यूनिट का आ रहा है रीडिंग का तो 200 में से 150 एडजस्ट करते हुए 50 यूनिट के हिसाब से पैसा लिया जा रहा है अगर उन्होंने पूर्व में जमा कर दिया है तो नहीं जमा किया है तो कंप्लीट का पैसा देना है।